देखिए, आज हमने बनाई है भिंडी, और जो भिंडी भुजिया बनाए हैं, और बहुत ही टेस्टी बनती है ये इस तरह से। तो चलिए इस रेसिपी को बना लेते हैं। हाय एवरीवन, जय श्री राम, वेलकम टू माय स्टाइल फूड। देखिए, हमने आज भरवा भिंडी बनाया है, भिंडी का भुजिया। तो देखिए, हमने इसको बीच से कट कर लिया है, और हमने धोकर वॉश करके इसको कट किया है। और ये हमने देखिए कढ़ाई लिए हैं, मिट्टी की कढ़ाई में बना रहे हैं हम इसे। तो पहले हम इसमें भिंडी को डाल देते हैं, और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हल्दी पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, हाफ टी स्पून लिए हैं। और ये देखिए, हमने धनिया डाल दिया है, धनिया पाउडर। और ये हमने जीरा पाउडर डाला है। और ये हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं। और देखिए, ये बेसन है, तो हमने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। और ये देखिए, ये मस्टर्ड ऑयल है, तो इसको भी हम इसी समय डाल देते हैं इसमें। और अब हम इसको आंच पर रख देते हैं, इन सबको मिला के। देखिए, हमने इसी तरह से इसमें मिला लेना है। और हमने देखिए गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, और उसमें हमने इसको पकाएंगे। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इस तरह से आप सारी इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए, और आप भिंडी को बहुत ही अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चिली फ्लेक्स, और इसको भूनने देंगे थोड़ा सा। और देखिए, हमारा ये भिंडी भुन रहा है, तो अब हम इसको ढककर रख देते हैं, और देख लेते हैं हमारी भिंडी किस तरह से भुन गई है। तो देखिए, ये हमारी भिंडी भुनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं, और ये हमने बारीक चॉप किया हुआ इसमें प्याज डाला है, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसी तरह से हमको काट के डालना है इसे। और ये भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है। और देखिए, हमने एक तेज पत्ता लिया है, इसको डाल दिए हैं। और इसको हमको ब्राउन करना है। और ये टमाटर है, हमने 2 पीस टमाटर लिए हैं, तो इसको भी डाल देते हैं। और इनको हमको भूनना है अच्छे से। और ये हमने नमक डाल देना है, स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। और अब हम इसको पकने देंगे, टमाटर गलने तक इसको हम अच्छे से पकने देंगे। और ये थोड़ा सा हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और ये कसूरी मेथी है, तो इसको भी हमने क्रश करके डाल दिया है हाथों से। और इसको पकाते हुए हमको चलाना है। और देखिए, ये हमारा टमाटर भी गल के तैयार हो गया है, तो इसको थोड़ा सा और हम भूनेंगे। और करीब इसको हम 2 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुनता है, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो देखिए, हमारा ये मसाला भुन के तैयार हो गया है। और जो हमने भिंडी को रोस्ट किए थे ना, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। और ये हम इसको अच्छे से मिला देंगे, और करीब हम 2 मिनट और इसको इसी में मसाले के साथ में इसको भूनेंगे।
तो देखिए कितना आसानी से हमने इसको बना लिया है। बेसन भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, तो ज़रूर आप भी बनाइएगा इसको। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए ये हम थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं और अब हम इसको निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और ये हमारी भिंडी बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए कितना अच्छा इसमें इसका कलर आया है और कितनी अच्छी दिख रही है और उतनी ही स्वादिष्ट ये खाने में भी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारी भिंडी बनके तैयार है। तो आप इसको रोटी पराठा के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम।